दोस्तों अगर आप सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के ऊपर हुआ आक्रमण, बताते हैं आपको पूरी बात। तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के 177 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, 3 विकेट गिर चुके थे, 5वां ओवर लेकर आए मिचेल सैंडर जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है। दोस्तों रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में इनको आखिरी गेंद पर इस तरह से मिस कर बैठे गेंद सूर्य कुमार यादव, और गेंद इनके पैड पर लग गई, हाथ जमीन से टकरा गया और इस तरह से इंजर्ड हो गए सूर्य कुमार यादव। लेकिन वो इंजर्ड होने के बाद भी देख रहे थे गेंद गई कहां। दोस्तों फिर उसके 5 मिनट के बाद मैच वापस शुरू किया गया, लेकिन उनकी चोट पर कुछ इस तरह से हंसते हुए नजर आए मिचेल सैंडर। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को चारों खाने चित्त करने के बाद उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए मिचेल सैंडर। लेकिन सूर्य कुमार यादव को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि ये पिच स्पिनरों की ही थी, गेंद बोल रही थी, बल्ला नहीं बोल रहा था, जिसके चलते इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव 20-47 रन बनाकर आउट हुए स्पिनर गेंदबाज के हाथों, जिसके चलते न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंडर की जीत हुई सूर्य कुमार यादव के ऊपर। और सूर्य कुमार यादव भारत के मुकाबला जीता नहीं पाए और 21 रनों से न्यूजीलैंड ने मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो